वेलकम 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 टू दी सेक्सी पाइनएप्पल का चैनल दोस्तों, मैं हूँ आपका खास दोस्त और आज हम फिर से आ चुके हैं एक अपडेटेड वर्जन में। मैंने इस बार एक नया कार शोरूम खोला है जो है कार फॉर सेल में, और आज मैं आपको दिखाना चाहता हूँ मेरी रईसी। दोस्तों मेरी रईसी कितना रिच हो चुके हैं हम। कहाँ मैं छोटे से आंगन में अपनी कारें रखता था, कहाँ अब मेरा शोरूम इस गेम का सबसे बड़ा शोरूम बन चुका है। ऑफिस के शोरूम में अच्छा खासा इंटीरियर बनाया दोस्तों, और हमारे कस्टमर्स को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि वो फर्नीचर गराज में आए हैं, कार शोरूम में आए हैं। और ये हम बाहर निकल के देख सकते हैं, सबसे पहले हमें दिखती है जी वैगन, ये है निसान स्काईलाइन, ये है टोयोटा सुप्रा, ये है डॉज, और यहाँ हम देख सकते हैं कुछ कारें हमने ऐसी भी रखी है जो है थोड़ी सी डैमेज, जो हमारे पास आई थी लैम्बोर्गिनी, ये डैमेज हो चुकी है थोड़ी सी, तो अभी यहीं पर है, हमारी टोइन ट्रक ने यहाँ लाके खड़ा कर दिया है। और ये है दोस्तों, आपने किसी भी गेम में नहीं देखी होगी लेक्सस, माय गॉड क्या शानदार दिख रही है, और ये बहुत अच्छे कंडीशन में है, खास करके हमने दुबई से मंगवाई है अपने चहेते कस्टमर्स के लिए। और ये भी हमारे पास लैम्बोर्गिनी आई थी, ये सामने से डैमेज है, किसी लौंडे ने ठोक दिया था, पता नहीं क्या ड्रिफ्टिंग उफ्टिंग करते रहते हैं आजकल के लौंडे। और ये है हमारी खूबसूरत सी जीप जो हमने हमारे पर्सनल चीज़ों के लिए रखी हुई है, इसलिए वो यहाँ पे खड़ी है। ओके सो हम अब आपको दिखाना चाहेंगे हमारे एक्सपेंसिव कलेक्शन। ये रहा दोस्तों हमारा ऑफिस सेक्सी पाइनएप्पल मोटर्स। ओके और ये बड़ा सा उसके बाजू में जो है वो हमारा शोरूम है, या एक्सपेंसिव कार्स रखी है दोस्तों, जिन जिन कारों का आपने नाम सुना होगा, जो जो बच्चे जो जो जवान हैं वो कारें लेना चाहते हैं, वो भी वहाँ पर, जिन कारों का वो सपना देखते हैं वो भी वहाँ पर, और जिसकी हमें बहुत इच्छा होती है खरीदने की, पर हम क्या करें, हमारे पास इतना पैसा नहीं है, पर तुम्हारे बात के पास बहुत पैसा है। हमारे पास आ चुकी है डॉज, मैंने मंगवाई थी ये डॉज, और हमारा टोइंग ट्रक लेकर आ चुका है, ये भी हमारे शोरूम में खड़ी होने वाली है। और हर कार फॉर सेल के गेम में दोस्तों ये छोटू सा ही कमरा होता है, हमें कंटेनर ही दिया गया है, नीचे मैं सोता हूँ, ऊपर पता नहीं जब मेरी शादी होगी तब शायद से बीवी भी आ जाएगी। और ये रहा अपना शोरूम, यहाँ पे है लैम्बोर्गिनी दोस्तों, ये भी बहुत अच्छी कंडीशन में है। ओके ये पोर्शे थोड़ी सी डैमेज है, इसे भी रिपेयरिंग की जरूरत है। और सबसे खास बात बुगाटी दोस्तों, बुगाटी थोड़ी सी डैमेज है पर इसे भी हम रिपेयर कर लेंगे, इसीलिए मैंने इन चीज़ों को बाहर रखा है। पर सबसे पहले आपको मैं दिखाना चाहूँगा मेरे एक्सपेंसिव कलेक्शंस दोस्तों, एक्सपेंसिव कलेक्शन जहाँ एस्टन मार्टिन हमने रखी है लाल कलर में, क्या बात है, ये शायद फरारी से भी लाल है, चटक लाल है दोस्तों। और ये रही हमारी मोस्ट एक्सपेंसिव बुगाटी ग्रीन कलर में, और ये रही मोस्ट एक्सपेंसिव बुगाटी वाइट कलर में दोस्तों, और ये रही सिल्वर कलर में शानदार लैम्बोर्गिनी, क्या बात है, क्या सेक्सी दिख रही है सिल्वर कलर में लैम्बोर्गिनी, जब ये धूप में निकलेगी तो इतनी शाइन मारेगी कि जो आसपास लोग रहेंगे आंखें चौंधिया जाएगी, क्या बात है क्या बात है क्या बात है। ओके ये है हमारी पर्पल कलर में बुगाटी, आपने पर्पल कलर में कभी देखी नहीं होगी ना कभी सोची होगी, क्या बात है क्या दिख रही है। ये हमारा एक्सपेंसिव कलेक्शन है दोस्तों, हमारे पास अभी शायद चार बुगाटीज आई है, एक तो डैमेज है, चलो ठीक है हम रिपेयर करके उसे भेज देंगे, पर एक दो और तीन एस्टन मार्टिन भी है, और ये रही चौथी बुगाटी दोस्तों। और हम सामने जाएंगे, हमारे पास
और भी थोड़े से एक्सपेंसिव वाली चीजें हैं, जैसे कि आप देख सकते हो ये है निसान GT-R। दोस्तों क्या खूबसूरत दिख रही है ये। एस्टन मार्टिन के लाल से थोड़ी कम लाल है और शाइनी भी थोड़ी कम है, पर जब रस्तों पे निकलती है हाय 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 हाय, लोगों की आंखें चौंधिया जाती है। दोस्तों ये ग्रीन कलर में किसी ने कस्टम कराया, ये ग्रीन कलर लैम्बोर्गिनी पे बहुत खूबसूरत दिख रहा है। ये है ऑडी R8 ब्लू कलर में, ज्यादा ही ब्लू हो गया है। पता नहीं आजकल के लौंडे किस बात पे इतना गुरूर करते हैं, कुछ भी कलर लगा देते हैं पागल गई के। चलो ठीक है, हमारा मन है भाई, हमारी कार है, कुछ भी करे, पर बाइक फिर कस्टमर को बेचना रहा तो फिर कैसे बेचेंगे? भैया आ चुके हैं। मैम आप कुछ डील करोगे क्या मुझसे? ओके थोड़ा देर बाद आता हूँ मैम, थोड़ा व्लॉग बना रहा हूँ मैं अभी आज के लिए थोड़ा सा। ओके सो ये है हमारी कॉर्वेट। कॉर्वेट दोस्तों पर्पल कलर में कॉर्वेट, शायद से थोड़ा पियर्सेंट है, अलग सा कलर दिख रहा है दोस्तों। नीचे थोड़ा सा लाइट पर्पल, ऊपर थोड़ा डार्क पर्पल। ओ बाप रे, अरे बाप रे, सांस में सांस अटक गई। क्या सेक्सी दिख रहा है, हे भगवान, क्या बताऊँ आपको। मेरा शोरूम भर चुका है एक्सपेंसिव कार से। और ये रही पोर्शे, एक नंबर खतरनाक दिख रही है दोस्तों। क्या बात है, शानदार। क्या धूप आ रही है और लाइटें भी लगाई है। ऊपर से भी मैं दिखा सकता हूँ आपको, ऊपर में तो वैसे कुछ नहीं है, पर फिर भी मैं आपको दिखाना चाहूंगा। क्या शानदार लग रहा है हमारा नया नवेला शोरूम। इस शोरूम को खरीदने के लिए दोस्तों बहुत पैसा लगाया है, बहुत पैसा लगाया है, अतः पैसा लगाया है जहाँ सिर्फ मैं आपके लिए इस शोरूम को दिखाना चाहता था कि ऐसा भी गैराज कभी हमारे सपने में होगा या हम उसके मालिक होंगे। और ये रही दोस्तों मस्टैंग GT, नई है ये, 2023 की है। ओके सो हम आज खेलने वाले हैं कार फॉर सेल, जैसे कि आपको पता ही है, और हमने सारी कार्स जो है वो लगा दी है सेल पे दोस्तों। ये हमारे कस्टमर्स आते जा रहे हैं, जाते जाते। ओके सो इस गेम में मुझे ये कार भी एक जगह मिली नेबरहुड में, जहां मेरी आंखें रुकी नहीं। मैंने देखा, मैंने सोचा क्या पता ये रिक्शा होगा या ऑटो होगा या ऐसा कुछ जो मलेशिया एशिया में जो ऑटो चलते हैं वैसा होगा। इसने भाई ने अलग ही टायर्स लगाए, खतरनाक कस्टम करके रखी है, पर इसे मैं बेचूंगा नहीं दोस्तों। ये डेकोरेशन के लिए बहुत अच्छा है। देखो रईस आदमी हूँ तो कुछ ना कुछ तो रखना ही पड़ेगा डेकोरेशन के लिए। आज हम थोड़े बहुत सेल करेंगे, और मैं तो चाहता हूं कि शायद इस गेम में अभी तक मुझे फरारी नहीं मिली है दोस्तों। फरारी, ओ रात हो गई। ओके रात हो गई, क्या बात है, रात को भी हमारा शोरूम अच्छा ही लगेगा। पर शायद हमें फरारी ढूंढनी है दोस्तों। फरारी मिल जाएगी ना तो बहुत सेक्सी लगेगी, हमारी पूरी कार कलेक्शन कंप्लीट हो जाएगी। सुबह हो चुकी है, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। आज नेक्स्ट डे है, आज कार मार्केट ओपन है दोस्तों। मैं तो आपको दिखाना चाहूंगा कार मार्केट इस गेम का, क्या पता हमें और भी कुछ नया मिल जाए, शायद हमें फरारी भी मिल जाए। ओके कार मार्केट, लेट्स गो कार मार्केट। आ चुके हैं हम कार मार्केट में, और हमें मिलनी चाहिए वो जो हम ढूंढ रहे हैं। कन्वर्टेबल भी दिख रही है मुझे, क्या बात है। ये छोटी मोटी कारें मुझे नहीं खरीदनी, मुझे खरीदना है मोटा मोटा। हे भगवान, ये क्या दिख गया मुझे, क्या बात है, फरारी कन्वर्टिबल, क्या बात है क्या बात है। वही लाइट्स, ही कैलिफोर्निया है ये तो, ये तो फरारी कैलिफोर्निया है। भैया एक काम कीजिए, अभी के अभी दे दीजिए, कोई खरीद ले तो उससे पहले मैं ही खरीद लूंगा। ओके सो आर यू इंटरेस्टेड इन मन का? अरे बिल्कुल यस, लो मोबाइल जा रहे, मैं तो पर्सनली यूज करूंगा भाई, तुम्हारा भाई गरीब है क्या? अरे चली जा मेरे शोरूम, मैं इसको चला के लेके जाऊंगा। ओके चला के ही लेके जाऊंगा यार, क्या टेंशन है क्या। ओके यहाँ पर छोटी मोटी कारें हैं, मिनी कूपर भी है। ओ माय गॉड, मिनी कूपर लेने कौन आएगा मेरे शोरूम में?
आए हाय हसीना हसी, अरे ये लड़कियों लड़कियां ही ऐसी कारें चलाती है दोस्तों। मर्द भी ऐसे कारें चलाते हैं, पर क्या हॉट लड़की लग रही है मुझे। सॉरी आपको ऐसा मतलब बताने के लिए जताने के लिए, पर आप बहुत खूबसूरत है। क्या आपका नंबर मिल पाएगा मुझे? नंबर नहीं देने वाली। ओके गाली दे दी है, चल निकल लो मतलब। ओके मैम आप उनकी बहन हो क्या? ओके आप बहन नहीं हो, ठीक है कोई बात नहीं, कोई बात नहीं मैम। मैम चला रही है जीप, क्या बात है दोस्तों, क्या एलॉय व्हील्स लगाए हैं, एक नंबर। पर मैम ने पूरी डैमेज करके रखी है, इसलिए शायद मैम बेचने आई है। और ये भी एक कन्वर्टेबल है दोस्तों, गोल्डन कलर की कन्वर्टेबल। ये शायद हमारे पुरानी मूवीज में चलती थी ये कार, मैंने देखी है हमारे बॉलीवुड मूवीज में। ओके सो हम वहां पर भी देखेंगे। एक मैम वहां पर शायद मुझे लग रहा है BMW है या क्या है। आई थिंक कि ये BMW नहीं है, ये कोई नॉर्मल ही कार है। ओके सो ये तो मुझे स्कोडा लग रही है दोस्तों, स्कोडा ऑक्टाविया। ओके पर ये ऑक्टाविया नहीं है, ये कुछ और ही है। ओके यहाँ पे अकेली खड़ी है, मुझे अकेले लोग बिल्कुल पसंद है, क्या आप मुझसे दोस्ती करोगे? इन्होंने भी मुझे गाली दे दी, पर ये गेम लड़कियां पटाने का नहीं है, ये गेम है कारों के शौकीनों के लिए। और मैं तो चाहता हूँ इसे मैं चला कर लेके जाऊँ। लेट्स गो, क्या बात है, एक नंबर खतरनाक। मैं तो सबसे पहले इसे गराज लेके जाऊंगा और इसका कलर रेड करूंगा दोस्तों, रेड। तो हम आ चुके हैं गराज, और इस गराज में हमें मिलेंगे मुकेश भैया, क्योंकि हमारे पिछले गेम में रमेश भैया थे। मुकेश भैया यहाँ पे इस गराज को चलाते हैं, जिसका नाम है कार ट्यूनिंग कार रिपेयर। ओके इन्होंने नाम नहीं रखा है, सो कोई बात नहीं यार, किसी का मन नहीं होता है कार का नाम या शोरूम का नाम रखने का। मुकेश भैया आप मेरी कार जल्द से जल्द रिपेयर कर दो, मुझे रिपेयर करना है और इसे अपने पर्सनल कलेक्शन में रखना है। मुकेश भैया हमारी कार को अपलिफ्ट करते हुए और सुधार रहे हैं। अरे क्या कर रहे हो, अरे चिंगारियां क्यों नहीं कर रही है, पेट्रोल है उसमें, फट जाएगी कार, बाजू हट जाओ। मुकेश भैया क्या कर रहे हो, अरे बाप रे। आई थिंक कि मुझे अभी जल्दी से जल्दी इसका कलर चेंज करके ऑक्शन में भी जाना चाहिए, ऑक्शन भी खुला हुआ है दोस्तों। जल्दी से जल्दी हम इसे रेड कलर कर देंगे और फिर बाद में मैं चाहता हूँ इसे चलाऊँ खतरनाक, मेरे शोरूम में बहुत अच्छी दिखेगी। ओके रेड कलर करने के लिए हमें रेड कलर चूज तो करना पड़ेगा, पर एक सही एंगल से हम इसका व्यू लेंगे। ओके रेड कलर एकदम चटक रेड, थोड़ा शाइनी, थोड़ा मेटालिक दोस्तों, मेटालिक होना बहुत जरूरी है, थोड़ा स्मूथनेस, एक नंबर। और अलॉयज मैं तो चाहता हूँ इसमें एक नंबर खतरनाक से अलॉयज लगाऊं, जिससे ये कार और भयंकर दिखे दोस्तों। एक नंबर एक नंबर, ये शायद अच्छे लग रहे हैं, ये भी अच्छे लग रहे हैं, ये नहीं अच्छे लग रहे, ये आय हाय 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 क्या बात है। रेसिंग के लिए हम इसे चूज करेंगे, ट्यूनिंग करेंगे दोस्तों, जिससे इसका परफॉर्मेंस थोड़ा ज्यादा इन्हेंस हो जाएगा। क्या दिख रही है मामा, एक नंबर झकास दिख रही है हमारी पोर्शे नहीं, पोर्शे नहीं, पोर्शे नहीं, फरारी कैलिफोर्निया। मैं तो इसे फरारी कैलिफोर्निया ही बताऊंगा, क्योंकि इसकी पीछे वाली टेल लाइट जो है ना, मुझे वैसे ही लग रही है। देखो उसमें सिंगल होती है डबल पता नहीं, पर गोल गोल तो होती है। हमारे कार शोरूम में मैं एक कार निकाल दूंगा वहां से और ये कार रखने जाऊंगा, पर आई थिंक मुझे पहले ऑक्शन में जाना चाहिए, ऑक्शन शायद शुरू हो गया है। ऑक्शन मैं देखूंगा, ऑक्शन इधर ही पास में ही है, हमें जल्दी जल्दी जाना पड़ेगा। वहां पे देख सकते हैं हम कि यहाँ पे भी कारें बिक रही है दोस्तों, बिडिंग हो रही है। भैया मैं आ चुका हूँ, क्या बात है, मुझे दे दो एक टिकट, अरे ऑक्शन में बैठने के लिए टिकट दे दो, टू बाय द टिकट। ओके हाँ हाँ मुझे पता चल गया है, समझ रहा हूँ मैं, कोई टेंशन नहीं है। ओके ये हमारी दूसरी कार, अरे क्या बात है, BMW दोस्तों, BMW पर वो बिक चुकी है दोस्तों। ओके सो यहाँ पे आ चुकी है लेक्सस, आए हाय आए हाय क्या बात है, लेक्सस के लिए बीडिंग हो रही है, $70,000, ओ हो, 73,000 डॉलर्स,
76,000 डॉलर लेक्सस के लिए इतना देने के लिए तैयार है आजकल के लोग। बाप रे, 80,000 डॉलर! ये कौन था? कोई तो बैठा नहीं है या फिर ये कैसे हो रहा है? ओके, सो 82,000, अरे 85,000 डॉलर! बाप रे, इंग्लिश हिंदी मिक्स हो रही है मेरी। वो ऑक्शन तो खत्म हो गया और हमारी फरारी यहीं पर है, कतई झकास लग रही है, एक नंबर, शानदार। क्या बात है दोस्तों, आप ना मेरे लिए बहुत लकी हो। मैं अब तक के कार ढूंढ रहा था पर मुझे मिली नहीं रही थी यार फरारी। जैसे मैंने इस वीडियो को बनाने के लिए शुरू किया वैसे ही ये मुझे मिल गई। इंटीरियर तो देखो दोस्तों, क्या क्लास इंटीरियर दिख रहा है। जल्द से जल्द हम शोरूम जाएंगे और हमारी कार लगाएंगे। मैं तो इसे अपने पर्सनल में ही रखूंगा दोस्तों, बहुत ही क्लास दिख रही है, मैं यहीं पे लगाऊंगा इसे, चाहे कोई कुछ भी कहे, मेरा शोरूम है, मेरी जगह। अरे अरे अरे, ठोकना नहीं, ठोकना नहीं है, ठोकना नहीं है, ठोकना नहीं है, अरे बाप रे, हे भगवान, ये क्या हो रहा है? ठोकना नहीं है, मैं तो शायद इधर जगह नहीं है, आई थिंक कि मुझे उधर ही लगाना पड़ेगा। जल्दी से जल्दी हम यहाँ पे इस फरारी को लगा देते हैं। और आई थिंक कि मैं अंदर लगा सकता हूँ, है ना, अंदर स्लॉट तो खाली नहीं है, पर मेरी कार ये जो फरारी है वो सेल के लिए नहीं है, तो हम यहाँ पे लगा सकते हैं। कस्टमर पूछेंगे हमें कि अरे भैया कार बेच रहे हो क्या? पर नहीं, हम कार नहीं बेच रहे, और मैं धीरे धीरे आपको दिखाता हूँ। अरे ये स्लॉट खाली था यार, पर मुझे वो नहीं बेचनी है। आई थिंक कि हम मस्टैंग वहाँ लगा सकते हैं ना, मस्टैंग बहुत अच्छी है वैसे, बाहर खड़ी है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, ये धूप में खड़ी है, पर लाल कलर धूप में बहुत अच्छा लग रहा है। ये है हमारा कार कलेक्शन दोस्तों, कॉर्वेट, ऑडी R8, लैम्बोर्गिनी, निसान GTR, फरारी कैलिफोर्निया, बुगाटी, लेम्बोर्गिनी, बुगाटी, बुगाटी, एस्टन मार्टिन। क्या बात है दोस्तों, बाहर भी हमारी बुगाटी, वहाँ पर हमारी डॉज वाइपर, पोर्शे, लेम्बोर्गिनी, पोर्शे एक अंदर लगी है, जी वैगन भी है दोस्तों। जी वैगन चलाने का मज़ा ही कुछ और है। और ये है हमारी निसान स्काईलाइन, टोयोटा सुप्रा, डॉज, क्या बात है, चार्जर, शायद चार्जर ही है, हाँ, डॉज चार्जर। और ये हमारा टुक 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 टुक, क्या बात है, टुक टुक। ओके, ये हमारी थोड़ी सी खराब हुई कारें हैं, थोड़ा सा सेल करना तो बनता ही है। जैसे मैं इन कस्टमर्स के पास आया हूँ, भैया आपको जी वैगन चाहिए क्या? आज का दिन बहुत अच्छा है। हेलो चार्ल्स, ओके, आई एम रेडी टू बाय योर कार, मैंने जो प्राइस रखी है उसी प्राइस में लेने के लिए तैयार है। क्या बात है, ये कार आपकी हुई, गुड मॉर्निंग, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। कार जा चुकी है हमारी जी वैगन, और कस्टमर आते हुए, शायद अंदर भी कस्टमर है, आई थिंक सो कि अंदर ही कस्टमर है, मुझे दिख तो कोई नहीं रहा है, पर क्या करूँ, ठीक है, कोई टेंशन नहीं है, आज के दिन छुट्टी का दिन है, सैटरडे है, तो नहीं आए होंगे यार, आएंगे संडे को, आएंगे मंडे को, आएंगे। आइए, अब मोहतरमा फंस गई, अरे आंटी फंस गई, क्या फंस गई दीदी, अरे दीदी फंस गई, ओहो दीदी, ओ निकल जाओ यहाँ से। ओके, हमारे सुपरा के लिए भी लोग आए हैं, मैं तो कहता हूँ छोटी छोटी गाड़ियाँ लेना शुरू कर दो, कोई टेंशन नहीं है, देखो जो सामने रखा है वही बिकेगा सबसे पहले, और देखो एक्सपेंसिव कार्स अंदर है तो उन्हें अंदर ही रखना पड़ेगा, क्योंकि हम नहीं चाहते कि वो धूप की वजह से खराब हो जाए दोस्तों। निसान स्काईलाइन के लिए आ चुकी है आइटम, क्या बात है, क्या बात है, ऐसे मतलब मैं छेड़खानी तो नहीं कर रहा हूँ, पर फिर भी अच्छी लगी है उन्हें कार। अरे 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 अरे, धक्का देके गई ना तुमको, धक्का देके गई ना तुमको, ठीक है मैं देखता हूँ, रुक जाओ, तुम्हारा नंबर दे देना, बस बात खत्म। ओके, ये भी कार बहुत अच्छे दाम पे सेल हो चुकी है दोस्तों, क्या बात है। उस लड़की से निपटना पड़ेगा मुझे जो इस लड़की को धक्का दे के गई वो। ओके, देखो कोई टेंशन नहीं है, पर लड़की बुगाटी लेने आई है, ओ ये भी अटक गई। अरे लड़की क्या बैठ के जाएगी क्या? पहले खरीद तो ले। ओके, खरीदना नहीं है आंटी को, दीदी चाहती है कि और कुछ भी आए। वेलकम वेलकम सर, वेलकम, हाउ मे आई हेल्प यू सर? क्या आप ये शानदार मस्टैंग GT लेना चाहेंगे? नहीं भैया, चाहते हैं कि वो अंदर जाए।
और उन्हें क्या चाहिए? भैया को चाहिए शायद कॉर्बेट। कॉर्बेट के लिए आए भैया। भैया आपको कॉर्बेट कितने में चाहिए बताइए, जो प्राइस हमने दी है उसी में चाहिए। पर भैया चाहते कि हम निगोशिएट करें। देखो हम बार्गेनिंग स्किल भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि मैं चाहता हूँ कि ये 6 लाख डॉलर में दे दे, ठीक है ले लो। भैया बोल रहे थोड़ा कम, पर भैया चाहते हैं लेट मी सी योर डिस्काउंट इज स्मॉल। अरे कोई नहीं भैया, कोई टेंशन नहीं है, हमारे कस्टमर हमारे भगवान हैं। तो अरे आप लीजिए, एंजॉय कीजिए, अपने लाइफ में एक सुपर कार होना तो ज़रूरी है दोस्तों। अरे ये भी भैया आ गए, ओके ऑडी R8 के लिए आए हैं। ऑडी R8 का बताएंगे हम इन्हें कि क्या हो सकता है क्या नहीं। ओके भैया चाहते हैं कि हम इन्हें 35,000 कम ले पर बेच दे। ओके आई थिंक कि बार्गेन एक बार करके देखते हैं कि थोड़ा बहुत हो सकता है क्या। आई एम सेटिस्फाइड। ओके क्या बात है, एक नंबर। यही होती है दोस्तों असली पहचान और असली कार के बार्गेनिंग स्किल्स। ओके दीदी चाहती है, बहुत ज़्यादा अमीर हो तुम तो, क्या बात है, तुम्हारा नंबर भी दे ही देना मुझे, लगता है कि जमेगी हम दोनों की। मेगन नाम है दोस्तों, मेगन वेड्स सेक्सी पाइनएप्पल। हाय 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 क्या बात है मेगन, तुम्हारी खूबसूरती को देख के और तुम हमारी एक्सपेंसिव कार की फर्स्ट बायर हो तो क्यों नहीं मैं तुम्हें बेचना चाहूंगा। बार्गेन करना चाहोगी क्या? मेगन गुस्सा हो जाएगी, फालतू नहीं, मैं अपना रिलेशन नहीं तोड़ूंगा मेगन। मेगन जस्ट कॉल मी वेन एवर यू नीड मी। ओके मेगन। ओके कस्टमर्स आते जा रहे, हे भगवान, अरे लेम्बोर्गिनी के लिए आई है मैडम, लेम्बोर्गिनी आई एम रेडी टू बाय। ओके एट द सेम प्राइस जो हमने रखी है। ओके क्यों नहीं क्यों नहीं, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। आज का सेल और आज का गराज हमारा आपको कैसे लगा तो प्लीज कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा सेक्सी पाइनएप्पल को। और ऐसे ही एंटरटेनमेंट वाले वीडियोस हमारे आते जाएंगे, हमारे कुछ और वीडियोस हैं वो भी देखना जरूर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।